इस वीडियो में अगर माहौल बनाना है तो बेस्ट ऑकवर्ड मोमेंट हमारी कौन लेके आएंगी? सोनम दीदी। आई थिंक इट हेल्प्स गेटिंग योर फर्स्ट फिल्म। It took me 5 years to get my first film. क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग खराब है। 5 साल नहीं, तुमको 25 साल तक भी नहीं मिलनी चाहिए थी। But then you got it with Sanjay Leela Bhansali. Because I auditioned my ass off. अच्छा, इन्होंने ऑडिशन भी दिए हैं। झूठ बोलने की अगर कोई सीमा होती है तो उसको दोनों पांव से लांग के आगे निकल गई है सोनम दीदी। हमारी लिस्ट में जगह बनाई है ओजी हमारे सलमान खान भैया। ओए होए होए। इंटरव्यूज देने का मुझे बहुत शौक है। आपका दिमाग नहीं, मेरे एक मुझे तो एक ही शौक है, मैंने आपसे कहा था ना इंटरव्यूज का। अरे कैटरीना मैडम जल्दी बोलो, पनवेल निकलना है, कितना टाइम लोगी? इंग्लिश में बोल दो यार। बेचारा रणबीर, रणबीर भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा। फाइनली मुझे ये अवार्ड मिल ही गया। आई वुड लाइक टू थैंक मेरे पापा जिन्होंने मुझे ताने मार मार के इतना मोटिवेट किया, मेरे भैया जिन्होंने मेरे सर पे इतनी भारी भारी चीजें मारी कि मैं तक क्रिएटिव बन गया, एंड माय गर्लफ्रेंड जो जरूरी मौकों पर मुझे छोड़ के चली गई ताकि मैं इतना सक्सेसफुल बन पाया। मेरा नहीं है यार ये, क्या कर सकते हैं। ये आज का अवार्ड है लेकिन वीडियो के लिए बेस्ट ऑकवर्ड मोमेंट्स। बॉलीवुड में सारे सेलिब्रिटी के साथ इंटरव्यू में जो जो भी ऑकवर्ड मोमेंट हुए हैं आज उनका रोस्ट करेंगे, मजा आएगा। उन लोगों को ऑकवर्ड हुआ ना यार, हमको तो इंजॉय करने का है तो हम इंजॉय करेंगे और जो बेस्ट मोमेंट होगा उसको अवार्ड टिका देंगे। अगर आप सहमत हो तो ओके लिख देना, नहीं हो तो कॉमेंट में गाली भी लिख के जा सकते हो, वी डोंट केयर, कॉमेंट इज कॉमेंट। ओके रणबीर कैटरीना का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। पहला मोमेंट है रणबीर कैटरीना के नाम। अरे कैटरीना मैडम जल्दी बोलो, पनवेल निकलना है, कितना टाइम लोगी? इंग्लिश में बोल दो यार। बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। बेचारा रणबीर, रणबीर भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा। Even he is thinking actually. रणबीर कह रहा भाई रहने देते हैं यार, ज्यादा पोल पट्टी खुल जाएगी आज के दिन में, नहीं करते हैं अपन ऐसा, आगे बढ़ते हैं। It is. Let's move on to the next. रणबीर भी लाइक तू घर आके बात करता हूँ तेरे से, आज एक और ब्रेकअप होने वाला है घर जाके और किसी और लड़की को फोन जाएगा तुरंत। क्योंकि अगली हमारी लिस्ट में जिन्होंने जगह बनाई है वो है हमारे रणबीर भैया। यार इस आदमी को मुझे समझ नहीं आता, ये हर चीज का फैन है यार। आप ये देखो, अरे भाई पहले इंट्रोडक्शन तो कर ले, तू जानता भी है कि नहीं वो तेरे को। I've momentarily forgotten who you are, so can you tell me, please? ये लो पूछ लिया आखिरकार के भाई तुम हो कौन, इतनी एनर्जी दिखा रहे हो यहाँ पे, हो कौन, इंट्रो दे दो इंट्रो। I'm a Bollywood actor sir, hail from Mumbai, India. I'm an entertainer. ये रणवीर सिंह जो है इतना नकली आदमी है भाई, हर किसी का फैन है ये। ये क्रिकेट भी देखता है, ये F1 भी देखता है, ये गोविंदा का भी फैन है, ये अक्षय कुमार का भी फैन है, ये अमिताभ बच्चन का, इसको सब पसंद है भाई। एक जो वर्ड होता है ना कॉर्पोरेट चाटू, अगर बॉलीवुड में किसी को कॉर्पोरेट चाटू का अवार्ड दिया जाए ना वो हमारे रणवीर भैया है भाई। हर किसी की चमचागिरी में लगे हुए हैं यार। सारी उम्र में जो कर जबड़े यार हाँ। ये रणवीर सिंह अगेन, लेकिन अब की बार टू बी भाभी जो कभी हो नहीं पाई अनुष्का शर्मा के साथ आए हैं कॉफी विद करण के काउच पे। You have such lovely legs. Let's focus on them. Yeah, that's, let's do hey, you want your ass pinched? I'm right here. वहां पे इन्होंने अनुष्का को ऐसी बात बोली है कि बस अनुष्का ने चाटा ही नहीं मारा, और चाटा नहीं मारा तो छोड़ो, अच्छा है इनके जीवन में उस समय विराट कोहली नहीं थे, वरना रणवीर भाई बहुत बुरे पेले जाते। आप एक बहुत बढ़िया शब्द यूज करते हैं विराट कोहली, बेन स्टोक्स, वो आप पे इस्तेमाल किया जाता। क्या क्या बोल रहा है आदमी। मैं कहीं बैकग्राउंड में इमेजिन कर रहा हूं विराट कोहली को, अगर उसको पता होता कि उनकी बीवी के साथ ऐसा किया जा रहा है, वो भाई उनका जो बैट है उसका बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते और अपनी जुबान के साथ खूब प्यारे प्यारे शब्द कहे जाते आपको रणवीर भाई। ओके सॉरी, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। सेव्ड, संस्कारी लड़की है भैया, आर्मी मैन की बेटी है, थोड़ा तमीज के पजामे में रहिए आप अपने, ऐसी सब बातें करेंगे पेले जाएंगे जबरदस्ती। वो तो नसीब है भाई रणवीर सिंह का, दीपिका मिल गई, वरना जैसी इनकी हरकत है मुझे नहीं लगता ये आदमी अकेला ही रहने वाला था जिंदगी भर। अगले हमारे लिस्ट में वो हैं
जिनका बुरा वक्त कभी खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। अभिषेक बच्चन, ये जब से लॉन्च हुए हैं इनकी जिंदगी खराब हुई पड़ी है भाई, कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ते रहते हैं, या तो फिर इनकी बीवी के साथ जो लफड़ा चल रहा है वो तो आप सबको पता ही है। और यहाँ पे सुनिए इंटरव्यूअर को क्या बोल रहे हैं। I'm just asking you, would we see you as a lead in any upcoming movies of yours, like a solo actor? हाँ, लीड पिक्चर तो करते हैं अभिषेक बच्चन, क्या मतलब समझ नहीं आया मेरे को। As the only person in the film? Yeah, as the male lead. The only person in the film. It will be a very boring film. I'm saying male. अरे वो कह रहा है आपकी लीड पिक्चर आएगी क्या कभी, हीरो बन के हीरो? क्या भाई अभिषेक भाई, पढ़ाई लिखाई करिए नहीं करिए क्या? It'll be a selfie film. A few moments later. As a no, main lead, male, आदमी पुरुष, पर्यायवाची नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे। So I act like a female right now, what? रे भगवान, आदमी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है लेकिन पता है आगे कोई पिक्चर आ ही नहीं रही मेल लीड में, तो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करके इधर उधर घूमने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक भैया कि मेल लीड तो मैं क्या फीमेल हूँ? अरे कम से कम अपनी बच्ची की तो परवाह कर लो यार, वो देख रही होगी पापा के इंटरव्यू, सोच रही होगी यार पापा को स्कूल लेके चलूं साथ में, दो चार क्लासे मैं ही अटेंड करा देती हूँ। अगले जिन्होंने हमारी लिस्ट में जगह बनाई है, ओ जी हमारे सलमान खान भैया। ओए होए होए, सलमान भाई किसी को ऑकवर्ड फील ना कराए ये तो हो ही नहीं सकता। और मजे की बात यह है, अगर सलमान भाई आपको ऑकवर्ड फील करा भी रहे हैं तो भी आप ऑकवर्ड की एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा कि सलमान सर नहीं मैं इंटरव्यूज देने का मुझे बहुत शौक है। You're addicted to giving interviews. वही मेरे से एक चीज छोड़ी नहीं जाएगी। मैं सबसे पहले उठ के इंटरव्यूज देता हूँ। मैं आपका दिमाग नहीं, मेरे मुझे तो एक ही शौक है, मैंने आपसे कहा था ना इंटरव्यूज का। भाई सलमान भाई का जब मूड नहीं है ना, उनसे बातचीत मत किया करो यार। सलमान भाई का मूड होगा वो तुम्हें जायदाद गिफ्ट कर देंगे, लेकिन अगर मूड नहीं होगा तो ऐसे पेले जाते हैं लोग इंटरव्यू में। इस वीडियो में अगर माहौल बनाना है तो बेस्ट ऑकवर्ड मोमेंट हमारी कौन लेके आएंगी? सोनम दीदी के लियोनार्डो डिकैप्रियो की बेटी है और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की चाची लगती है, ऐसे ज्ञान पेलती रहती है। भाई क्या है ये यार, प्लीज सुनो आप क्या बोल रही है औरत। बीइंग अ स्टार सन और स्टार डॉटर, हाउ मच इट हेल्प्स? डू यू थिंक इट हेल्प्स? I think it helps getting your first film. It took me 5 years to get my first film. क्योंकि तुम्हारी acting खराब है। 5 साल नहीं, तुमको 25 साल तक भी नहीं मिलनी चाहिए थी। But then you got it with Sanjay Leela Bhansali. Because I auditioned my ass off. अच्छा, इन्होंने audition भी दिए हैं। झूठ बोलने की अगर कोई सीमा होती है तो उसको दोनों पाँव से लांग के आगे निकल गई है सोनम दीदी। अबे So dad's like, who do you want to assist? I said, I want to assist Sanjay. Dad said, पापा ने कहा बेटा किसके साथ काम करना चाहती हूँ? अरे इसी को तो नेपोटिज्म कहते हैं। वहाँ पे सामने राजकुमार राव बैठा जिस जो नॉक नॉक करके थक गया होगा, लोगों के गेट पे किसी ने दरवाजा नहीं खोला होगा। एक तो भाई अब थोड़ी ओड़ी आगे बढ़वा के ग्रूमिंग कर लिए अपनी, पहले तो और भी खराब हालत थी। बहुत अच्छे एक्टर हैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, इसी को नेपोटिज्म कहते हैं। खुद ही समझा दिया दीदी ने और कह रही है नो आई डोंट बिलीव इन दिस। आप इस समय राजकुमार राव की शक्ल पे जूम करें एक बार, आप देखें, वो कह रहा भाई मतलब मैं कुछ ऐसे होता ना, किसी के हाथ बांध के आपने सामने बिठा दिया और बस मतलब कि खोल दो फिर बताता हूँ कि क्या बदतमीजी कर रही है ये लड़की। But I don't know Sanjay, I've never worked with him. Sorry to cut you, but you know that's what I'm saying, that you had options. I had options. इस लड़की को ब्रेन में प्रोसेसिंग नहीं होती है कि ये क्या बोल रही है, इसको बोल दिया कुछ और घर जाके सोचती होगी ओ शायद गलत था, नहीं बोलना चाहिए था, क्यों डैड व्हाट डू यू थिंक, आई शुड नॉट हैव सेड दैट। ओके, आप जो है ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दें, कॉमन सेंस आपके बस की बात नहीं है सोनम दीदी, सॉरी। तो सारे मोमेंट जो है मैंने फेंक के आपके मुंह पे मार दिए हैं, अब आप बताओ कि आपको कौन सा बेस्ट मोमेंट लगा। मैं तो बेस्ट ऑकवर्ड मोमेंट का जो अवार्ड है वो देना चाहूंगा भाई सोनम कपूर को। मतलब ये महिला ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट करने के टॉप पे रहती है एकदम, इनको पता ही नहीं है इन्होंने क्या बोल दिया और अब उसको वापस कैसे लेना है। तो सोनम जी आपके लिए द बेस्ट ऑकवर्ड मोमेंट का अवार्ड सोनम कपूर। मेरे को पता है आपकी जिंदगी में आपको कोई और अवार्ड नहीं मिला, तो इसको एज अ कॉन्सोलेशन प्राइज ही रख लीजिए आप। अरे ले लो यार, अरे चलो छोड़ो यार, कोई बात ठीक नहीं दे जाओ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बता देना और अपना बेस्ट ऑकवर्ड मोमेंट लिखना मत भूलना। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना अगर चले गए तो मैं बता रहा हूं तुमको, तुम्हारी जिंदगी में सोनम कपूर आएगी और ऐसा ही ऑकवर्ड माहौल बना के चली जाएगी। चुपचाप कमेंट कर देना, बहुत डरावना सपना आएगा सोनम कपूर का, ठीक है? समझ गए? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। See you.